Asalaamu As Alaikum, students. Today we are going to start the work on countdown book 5. So let's take out the new page. Today we will start the new unit that is uh, unit number 2. And the name of the unit is HCF and LCM. HCF, highest common factor, and LCM, least common factor. Right? On this page, um, we are discussing the things that we are going to do in this chapter. Uh, इस पर आबशक डेट लिख लें इसमें वही चीज़ें बताई हुई हैं जो आप लोगों ने इस चैप्टर में करनी है ठीक पे है आप नेक्स्ट डेट आप लिखेंगे ट्वेल्व टू थाउजेंड ट्वेंटी पेज नंबर ट्वेंटी थ्री पे क्लास वर्क एंड डे इज़ वेडनेसडे अब इसमें क्या है आपको बताया गया है कि आप लोगों ने एच एफ में पढ़ना है और एल सी एम पढ़ना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एल सी एम और एच सेफ के बारे में बताया हुआ है हाइस्ट कॉमन फैक्टर ठीक है और लीस्ट कॉमन मल्टीपल ठीक है तो आपने जो फोर्थ क्लास में आपकी तो बुक चेंज हुई है ना तो इसलिए मैंने ये सॉल्व कर दिए आपके द गिवन क्रॉस वर्ड विल हेल्प यू रिव्यू द फैक्टर्स ऑफ एंड मल्टीपल्स फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में आपकी हेल्प होगी फैक्टर्स वो जो उसके टेबल में आते हैं मल्टीपल्स जो मल्टीप्लाई करके आते हैं आंसर फोर सिक्स एट टेन एंड ट्वेल्व आर डैश ऑफ नंबर टू टू के क्या हैं ये सारे मल्टीपल्स मतलब टू को मल्टीप्लाई करें तो फोर आता है सिक्स आता है ठीक है टू के टेबल में ये सारे आते हैं ऑल इवन नंबर आर मल्टीपल्स ऑफ दिस नंबर ठीक है number, आपने क्रॉस वर्ड लिखना है क्रॉस क्लूज होते हैं जो इस तरह होते हैं ठीक है क्रॉस क्लूज ऐसे होते हैं और डाउन क्लूज इस तरह होते हैं ठीक है जो इस वन फोर फाइव सेवन एट इसमें देख लें वन ऐसे है फोर ऐसे है फाइव ऐसे है सेवन ऐसे है और एट ऐसे है ठीक है उसमें जो मैंने फिलअप किए हैं वो सारे अपने इधर लिख देने हैं यहाँ पे पार्ट नंबर फोर का आंसर आ रहा है टू एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ डैश इटसेल्फ वो अपना भी फैक्टर होता है नंबर सेवन द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर फाइव इज सेवन फाइव के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो क्या है सेवन है पार्ट नंबर एट नंबर एट हैज अ टोटल ऑफ डैश फैक्टर्स फोर फैक्टर्स उसके चार फैक्टर्स होते हैं आप डाउन क्लूज देख लें नंबर 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 है अ ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स इट कॉल्ड अ डैश नंबर प्राइम नंबर कहलाता है जो आ, खुद अपना फैक्टर हो और वन उसका फैक्टर हो थ्री पार्ट अ मल्टीपल इज अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई अनदर नंबर विदाउट एनी डैश ठीक है किससे किया जा रहा है रिमाइंडर मल्टीपल नंबर उससे आपका नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकता है एग्जैक्टली exactly. पूरा सॉल्व हो जाता है उसका कोई रिमाइंडर नहीं बचता ठीक है इसमें इसलिए आंसर आया रिमाइंडर फोर एलसीय ऑफ फोर एंड सिक्स इज़ ट्वेल्व फोर और सिक्स का एलसीयम निकालें तो ट्वेल्व आंसर आता है नंबर वन इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर तो हर वन जो होता है वो हर नंबर का फैक्टर होता है ट्वेल्व एटीन थर्टी फोर्टी एट आर मल्टीपल्स ऑफ द नंबर सिक्स ठीक है ये किसके मल्टीपल्स हैं सिक्स के सिक्स के टेबल में ये सारे आते हैं ठीक है मल्टीपल्स वो होते हैं जो उसके टेबल में आते हैं और फैक्टर्स वो होते हैं जो आप लोग जैसे फॉर एग्जांपल आपका नंबर ट्वेल्व है तो ट्वेल्व किस किस के टेबल में आ रहा है ठीक है नेक्स्ट पेज पे आ जाए रहे पेज ट्वेंटी फोर पेज ऑफ डिविजिबिलिटी आर आर अगेन राइट डेट ऑन द टॉप लेफ्ट साइड क्लास वर्क एंड वेटनेस ए डेट इज ट्वेल्व ए टू थाउजेंड ट्वेंटी ठीक है इस पेज पर भी लिख लें डेट और नेक्स्ट पेज पर भी डेट लिख लें पेज ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फाइव पेज देर आर सर्टन रूल्स इन मैथमेटिक्स टू फाइंड वैदर वन होल नंबर इज डिविजल बाई अनदर होल नंबर लिविंग नो रिमाइंडर ठीक है इट इज़ ए क्विक मैथड टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ लार्ज नंबर्स आपको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या है टू थ्री फाइव और टेन के फैक्टर्स बताए जा रहे हैं जिन जिनके जरिए आपके ये सॉल्व होंगे अब टू में वो फैक्टर्स होते हैं कि नंबर के एंड वाले नंबर पर मतलब यूनिट प्लेस पर आ जाए इवन नंबर ठीक है तो वो इसका फैक्टर होता है तो थ्री में क्या होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका नंबर हो थ्री फाइव और फाइव कर लें ठीक है ये नंबर है तो ये फैक्टर होगा थ्री का कि नहीं तो हम क्या करेंगे इनको एड अप कर लेंगे ठीक है फाइव टेन और थर्टीन यहाँ पे फाइव फिफ्टी फाइव लिख लें ठीक है तीन नंबर्स कर लें फाइव फाइव टेन और फिफ्टीन फिफ्टीन पूरा आंसर आता है एडअप होकर वो नंबर आए जो इसके टेबल में आएगा तो ये फाइव टेन फिफ्टीन अगर प्लस करते हैं आप थ्री नंबर्स ठीक है तीन नंबर लेते हैं फाइव फिफ्टी फाइव हमने ले लिया तो इन तीनों डिजिट्स को आपस में एडअप करेंगे जो आंसर आएगा वो फिफ्टीन है तो ये नंबर आपका थ्री में आना चाहिए ठीक है तो थ्री के टेबल में फिफ्टीन आता है इट मींसटर है फाइव फिफ्टी फाइव अब फाइव वो है जिसके एंड में आपका आए या तो फाइव आए ठीक है या फाइव आएगा या फिर जीरो आएगा तो वो वो जो भी नंबर होगा वो उसका फैक्टर के लाएगा ठीक है अब टेन है टेन में जिस नंबर के भी एंड में जीरो आएगा वो उसका फैक्टर होगा सॉरी वो उस पर डिविजिबल होगा आई एम सॉरी मैंने फैक्टर बोल दिया दोनों जगह पे फाइव में भी और टेन में भी अब फिल इन द दे ब्लैंक्स देखते हैं एनी नंबर विद जीरो इज द डैश प्लेस इज डिजी सॉरी एनी नंबर विद जीरो इन द डैश प्लेस इज डिविजिबल बाय फाइव वंस प्लेस पे अगर ज़ीरो होगा तो वो फाइव से डिविजिबल हो सकता है ठीक है एंड डैश नंबर इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय टू मैंने आपको भी बताया इवन नंबर जो होते हैं वो डिविजिबल बाय टू होते हैं अच्छा नंबर हुज डिजिट एड अप टू मल्टीपल ऑफ थ्री इज डिविजिबल बाय थ्री आपको मैंने अभी बताया कोई नंबर जो होगा अगर थ्री का आप मल्टीपल चेक करें डिविजिबल है या नहीं तो आपने उसके सारे डिजिट्स एडअप करने हैं जो आंसर आएगा वो थ्री के डेबल में अगर आता है तो वो उसका मल्टीपल के लाएगा ठीक है एन एग्ज़ाम्पल ऑफ अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई फाइव एंड टेन इज़ टेन ठीक है फाइव और टेन का डिविजिबल क्या है टेन है विच ऑफ़ दिस नंबर्स इज डिविजिबल बाय थ्री थ्री से कौन कौन से नंबर हो रहे हैं बी एंड सी विच ऑफ़ दीज नंबर्स इज़ नॉट डिविजिबल बाई फाइव सेवन हंड्रेड फोर क्योंकि इसमें एंड में फाइव है इसमें एंड में जीरो है तो ये फाइव और जीरो शो करते हैं कि वो फाइव से डिवाइड हो सकते हैं पार्ट नंबर फोर सर्कल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय टेन टेन से वो नंबर डिवाइड होते हैं आपको पता है जिनके एंड में जीरो आता है ये भी जीरो है ये भी ज़ीरो है तो ये बी पार्ट और ए पार्ट इससे डिवाइड हो सकते हैं दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाय टेन ये फाइव से डिवाइड होता है नौ अब हमने टू थ्री फाइव और टेन का पढ़ लिया अब हम डिविजल रूल फर्ड नंबर फोर सिक्स एट और नाइन को पढ़ेंगे डायरेक्टली मैं आपको ये पढ़े बगैर ही बता देती हूँ क्या है या आपको रीड करके भी बता सकती हूँ ना अस टेक द नंबर फ़ाइव एटी फोर एज एन एक्ज़ाम्पल ठीक है फाइव एटी फोर उन्होंने ले लिया लुक एट टेंस एंड यूनिट्स डिजिट्स अब टेन और यूनिट्स पे क्या डिजिट है एटी फोर द नंबर फॉर्म इज एटी फोर तो एटी फोर जो है वो डिवाइड हो रहा है फ़ोर से आपने जब फोर का डिविजिबल चेक करना होता है तो लास्ट टू डिजिट्स देखते हैं अगर वो डिवाइड हो सकते हैं फोर पे तो आपका पूरा नंबर नंबर जो है वो डिविजिबल बाय फोर होगा ठीक है क्या है फोर ट्वेंटी वन एटी फोर है तो ये पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है फ़ोर से इन्होंने यही बात यहाँ पे बता दी है नेक्स्ट के लास्ट टू डिजिट्स आपने देख रहे हैं नंबर डिविजिबल बाई फोर इफ़ द नंबर फाउंड बाई द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई फोर ठीक है ये मेन में आपने इन्होंने बता दिया नेक्स्ट डिविजिबल बाई सिक्स देख रहे हैं अब इसमें जैसे थ्री का मैंने आपको बताया था नंबर एडअप किए जाते हैं इसमें भी वही सीन है आपका नंबर एडअप किया जा रहा है ठीक है नाइन वन और एट ऐड हो रहा है ठीक है नाइन हंड्रेड एटीन नंबर हमने लिया नाइन वन एट ऐड किया एटीन आया सिक्स के टेबल में एटीन आता है इट मीन्स ये डिविजिबल बाय सिक्स है नाइन हंड्रेड एटीन ठीक है इसी तरह इन्होंने पूरा नंबर भी डिवाइड करके बता दिया तो एक्जैक्टली डिवाइड exactly हो रहा है क्योंकि इसका कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा राइट कम टू द नेक्स्ट पेज पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स अब इसमें आपका नंबर आ रहा है एट एट से डिवाइड करके चेक कर रहे हैं तो उसके लिए लास्ट थ्री डिजिट्स देखने हैं ठीक है लास्ट थ्री डिजिट्स देखेंगे तो अगर वो डिवाइड हो रहे हैं सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी एट नंबर है ठीक है तो वन हंड्रेड ट्वेंटी एट चेक करेंगे हम लोग पहले वन हंड्रेड ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाई एट करते हैं तो सिक्सटीन आता है ठीक तो इट मीन्स कि ये डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है तो फिर ये डिविजिबल बाई एट होगा नाइन से चेक करेंगे तो वही रूल है आपने जो नंबर टोटल होगा उसको एडअप कर लेना है और फिर उसका बता देना है ये पूरा हमारा डिविजिबिलिटी रूल है ट्वेंटी सेवन पेज पे भी यही बताया हुआ है कि आपका क्या होगा ये जो मेन पॉइंट्स है ना ये आपके मैं जो समझा रही हूँ ये वो लिखे हुए हैं नेक्स्ट पेज पे आ जाएं पेज नंबर ट्वेंटी एट अब आपके पेज नंबर ट्वेंटी एट पर क्वेश्चन नंबर वन है वो आपने चेक करना है ठीक है आपने उसके आंसर्स खुद ढूंढने हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर वन के आंसर खुद सॉल्व करके ढूंढने क्वेश्चन टू के भी आंसर खुद सॉल्व करके ढूंढने और फिर इस वीडियो से टैली करने क्वेश्चन थ्री के भी आंसर खुद सॉल्व करके ढूंढने मैंने जो आपको समझाया है प्राइम फैक्टर्स तो आपको पता है क्या होते हैं जो नंबर अपने आप से और वन से डिवाइड हो सकता है वो प्राइम फैक्टर्स होते हैं नंबर बाकी जो नंबर्स होते हैं टू से ज़्यादा जिनके फैक्टर्स बनते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं ठीक है और जो बाकी आपको बताया है मैंने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई टू फो थ्री फोर फाइव और पहले बताया था फिर उसके बाद मैंने आपको बताया थ्री सॉरी फोर सिक्स एट और नाइन ठीक है उनको देखते हुए आपने यहाँ तक ये सॉल्व करना है अब देख लें एक दफ़ा क्वेश्चन नंबर वन टू क्वेश्चन नंबर थ्री ठीक है और फिर क्वेश्चन नंबर फोर इसको पहले खुद सॉल्व करना है और फिर इस वीडियो से टेली करके आंसर्स चेक करने के कि आपके सही हैं या गलत आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इनशाला वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑन दिस पेज ट्वेंटी नाइन इन आर नेक्स्ट लेक्चर टिल देन हाफिज़